Well, those are the live pictures coming in from the National Library there in Kolkata, where Union Home Minister Amit Shah is on his second day of his visit to the state of West Bengal, the pole-bound state of West Bengal. And he is participating in the Shauryanjali program at the National Library in Kolkata, where he will be paying tributes to the famous icons of Bengal in the National Library there. As we continue to put out more pictures on the same, we have seen in the previous visits of Union Home Minister Amit Shah, especially when it comes to Midnapore, paying homage to Khudiram Bose and the national heroes and freedom fighters of India. Also, when he also paid tributes to Subhash Chandra Bose, Netaji Subhash Chandra Bose there. Going across to Himanshu now. Himanshu, yahi ek importance jodi jati hai Amit Shah ki visit se, chahe wo pichle visit ho, chahe wo is bari ka visit kyun na ho. Jahan tak hum apne desh ki heroes ki baat kare, unhein yaad karna nahi bhoolte, Union Home Minister. जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ यूनियन होम मिनिस्टर की जनता पार्टी ने इसको अपने कल्चर में उतार लिया है। जाते हैं जिसे स्टेट में जाते हैं, जहां पर भी वो जाते हैं कि लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हों या फिर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हों, उनको जरूर याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हम जिस भी स्टेट में जाते हैं वहां पर उन लोगों का सम्मान होता है, उससे वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है उसके मन में, और दूसरा एक मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी कन्वे करना चाहती है न सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश भर की आवाम को, कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं, जो अपना अपने पूरे परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों को न निभाते हुए वो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ में सरकार खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। कोई उन्हें याद करे या ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका योगदान जो देश के लिए है वो कभी नहीं भूलेगी। और जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की बात होती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पूरी ताकत झोंक रही है सरकार बनाने को लेकर, तो ऐसी स्थिति में ये जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण था। और साथ में ये दौरे के दौरान में जो उस स्थान के लोग हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के लिए पश्चिम बंगाल के जो हीरोज हैं उनको याद करना, भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा ट्रेडिशन अपना बनाया हुआ है, उसी के तहत आज गृहमंत्री अमित शाह ने जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड लोग थे उनको याद किया, उन्होंने खुदीराम बोस को याद किया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को याद किया, जिन जिन लोगों ने जो बंगाल के रहने वाले थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उन तमाम लोगों को याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी के चलते आज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, वो याद कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं बंगाल की आम जनता के मन में जो एक भाव है कि हमारे बंगाल के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनको भी भारतीय जनता पार्टी याद करती है, उन्हें भूली नहीं है, तो ये एक जबरदस्त जो एक रणनीति बनाई गई है उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसी के तहत ये जो अमित शाह का दौरा था ये महत्वपूर्ण था, और इस दौरे के दौरान में ये जो नेशनल लाइब्रेरी में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देना और उन्हें याद करना ये भी उसी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल हिमांशु, अगर आज के प्रोग्राम के बारे में बात करें तो और क्या इवेंट्स लाइंड अप है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह? बिकॉज उन्होंने कल जो अपना दो दिन का जो दौरा था वो कोलकाता से ही शुरू करा था और अब वो वापस आज कोलकाता में है। प्लीज स्टे ऑन द लाइन।